आज की हमारी चर्चा का विषय है भारत में क्रिप्टो करेंसी। इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आज के इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राचीन काल में वस्तुओं के लेन देन के लिए किसी विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे इस लेन देन की प्रणाली में अलग अलग अंतर आते गए, यानी कई प्रकार के इसमें बदलाव आते गए और आज हमारे सामने अनेक प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं कि हम किस प्रकार से लेन देन करें। आज के ज़माने में हमारे सामने पेपर मुद्रा है, सिक्के हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि हैं। लेकिन डिजिटल मनी के रूप में भी एक सुविधा उपलब्ध है जिसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी के कई प्रकार हमारे संसार में पाए जाते हैं। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में होती है और इसके किसी भी ट्रांजेक्शन में किसी भी सरकार का कोई अहम रोल या भागीदारी नहीं होती है। बात चलती है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसका उपयोग ट्रेडिंग और ट्रांजेक्शन्स में किया जाता है। एक प्रकार से यह पेपर करेंसी का ही काम करती है, सब्स्टिट्यूट है ये उसका, लेकिन ये फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होती है। इसका सबसे मुख्य अंतर क्या है नॉर्मल करेंसी में और क्रिप्टो करेंसी में कि यह एक फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होती है। और इसकी सबसे अच्छी मज़ेदार बात यह है कि यह एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी कि किसी प्रकार की सरकारी संस्था या कोई भी संस्थान इसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। यह क्रिप्टोग्राफी के सिद्धांत पर काम करती है। क्रिप्टोग्राफी में कोड्स की सहायता से इंफॉर्मेशन का प्रोडक्शन किया जाता है और यह जानकारी केवल उसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ी जा सकती है जिसके लिए यह बनाई गई हो। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार के ट्रांजेक्शन्स में किसी भी प्रकार के डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती है, यानी कोई डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है। यह एक रिकॉर्ड्स की लिस्ट होती है जो समय के साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा इनमें एक एकल नेटवर्क होता है जिसे माइनिंग के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्रिप्टो करेंसी को वैलिडेट किया जाता है माइनिंग कहलाती है। इसके अन्य रूप हैं जो है बिटकॉइन, लिटकॉइन, एथेरियम, जेड कैश आदि। इसके उदाहरण हैं इस प्रकार की मुद्रा के। अब बात यह आती है कि हम इसे खरीद कैसे सकते हैं, कैसे हम इस करेंसी को खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको एक डिजिटल वॉलेट खुलवाना होता है, यदि यही वो जगह होती है जहां आप करेंसी को रख सकते हैं। डिजिटल वॉलेट होता है आपके मोबाइल में और उससे आप वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी कर सकते हैं या बिकवाली भी कर सकते हैं। जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही हो तो सबसे पहले नाम आता है बिटकॉइन का। सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही थी, उसके बाद एथेरियम, लिटकॉइन, डार्क कॉइन कैश आदि जो मुद्राएं हैं वो भी प्रचलन में आई। बिटकॉइन की शुरुआत बाजार में सन 2009 में हुई थी और इसका नाम आज सबसे पहले लिया जाता है। इसकी वैल्यू लगभग $1,000 से $19,000 तक हो गई है। एथेरियम एक अन्य क्रिप्टो करेंसी है जो 2015 में अस्तित्व में आई। बिटकॉइन भी एक ऐसी ही करेंसी है जो 2011 में अस्तित्व में आई थी, लेकिन बिटकॉइन जो है वो 2009 में अस्तित्व में आया था, यानी कि ये सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी है। इसकी ये इतनी फेमस क्यों है भारत में, अब हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि भारत में इसकी मांग और प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, क्यों, ऐसा क्या कारण है। सबसे पहला कारण है कि इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है। किस प्रकार का मानवीय या सरकारी हस्तक्षेप इसमें नहीं है। जब भी कोई बिजनेस इंटरनेशनल स्तर पर ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो वह काफ़ी आसान तरीका हो जाता है और कंपनियाँ इसको आसानी से काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं। दूसरा इसका मेन कारण है कि इसके उपयोग में आसानी है और इसमें पारदर्शिता भी है, ट्रांसपेरेंसी पाई जाती है। तीसरा कारण क्या है कि एक सिक्योर ट्रांजेक्शन्स है, यानी इसमें आपका जो ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल सिक्योर है और इसके ब्लॉकचेन को हैक करना असंभव है। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का डेटा सभी लोगों के द्वारा देखा जा सकता है।
ट्रांजेक्शन की स्पीड जो है, इसमें होने वाले ट्रांजेक्शंस बिल्कुल बिजली की गति से होते हैं, काफ़ी स्पीड इसमें पाई जाती है, यह भी इसकी खास बात है। अब हम ये हमारे मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है, क्या ये वैध मुद्रा है भारत में? तो एशिया के कई देश जैसे चीन है आदि में इसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ती जा रही है, और भारत में भी इसके ट्रांजेक्शन्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी तभी भारतीय फेडरल गवर्नमेंट ने इसको बैन करने का प्लान बना लिया था। निवेशकों की सुरक्षा को लेकर के RBI चिंतित है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आप देख सकते हो, इसलिए भी यह एक चिंता का विषय हो सकता है। इसके माध्यम से एक नए प्रकार की धोखाधड़ी तथा इंटरनेट फ्रॉड इसकी संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन इसके ट्रांजेक्शन्स की बढ़ती संख्या इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, यानी कि इस पर लोग ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है जल्दी बढ़ती जा रही है। सन 2018 में RBI ने कमर्शियल बैंक्स को क्रिप्टो ट्रेडर्स और सेवाओं को बैन करने का आदेश दिया, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को समाप्त कर दिया। और इसी समय कोरोना वायरस ने भी दस्तक दी थी, और इस समय पूरे भारत में लॉकडाउन तथा सरकारी प्रतिबंध लगे हुए थे, और यही कारण रहा कि इस करेंसी को बढ़ावा मिला, यानी इसका चलन और भी बढ़ गया। आज के लिए बस हम इस जानकारी को यहीं पर एक बार रोक देते हैं। मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।